केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा कल देर रात दिल्ली के विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते नागपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा गणेशपेट स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रचार कार्यालय के समक्ष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पहुंची थी। यह तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है, जिसके चलते नागपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा गणेशपेट स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रचार कार्यालय के समक्ष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता भूषण ठाकुरकर ने सरकार के खिलाफ तीव्र असंतोष व्यक्त किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के नव समन भेजे जाने के बाद भी दिल्ली के विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किसी भी प्रकार की जो है प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ना ही ईडी के सामने वह पेश हुए, जिसके बाद की गुरुवार देर रात उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा आक्रामक प्रतिक्रिया दी गई है और गणेश पेट के भाजपा कार्यालय के समक्ष जो है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है बड़ी मात्रा में जो है आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, भगत सिंह के चेले जेल से नहीं डरेंगे, मोदी काल है, अरविंद केजरीवाल है, इस प्रकार के जो है आक्रामक नारे यहाँ दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए, ईडी को 22 अप्रैल तक समय दिया गया था जवाब देने का, वो 22 अप्रैल को छोड़ के ये ईडी ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, 2 घंटे के अंदर अरविंद जी को गिरफ्तार किया। और क्या जल्दी है गिरफ्तारी करने की, वो अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, पर अरविंद केजरीवाल का विचार गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखिए, पिछले 2 साल से इन लोगों को ना एक रुपए का कोई एविडेंस मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो चेंज करके रखा है, और वो चेंज के बदौलत इन लोगों ने लोगों को अंदर करके रखा, इनके पास कोई सबूत नहीं है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा जो है बड़ी आक्रामक प्रतिक्रिया यहाँ दी जा रही है, जो है आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखें जो है यहाँ जाहिर हो चुकी है, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसका की काफी बड़ा असर जो है देश की सियासत में पड़ने की संभावना यहाँ तेज हो रही है, तो देखते हैं आगामी इसका क्या असर पड़ता है। इस वक्त मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सभी भाजपा के दिग्गज नेताओं के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते सुरक्षा और शांतता के मद्देनजर पुलिस द्वारा मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस समय बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद थी। इस गिरफ्तारी को भाजपा की जालसाजी बताते हुए आप कार्यकर्ताओं ने तीव्र असंतोष व्यक्त किया है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी गणेशपेट कार्यालय के समक्ष आम आदमी पार्टी द्वारा हुए तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद जो है आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन निरंतर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है नारेबाजी की जा रही है, मोदी तेरी नहीं चलेगी, इस प्रकार के जो है नारे सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए जा रहे हैं। जहाँ की आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, लोकसभा की स्थिति है, लोकसभा के चुनाव तारीखें घोषित हो चुके, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी द्वारा इतना जो है आंदोलन किया जा रहा है, जिससे कि तीव्रता का कुछ ना कुछ असर जो है लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा, यह स्थिति यहाँ प्रतीत होती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली सहित पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। आप, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। उनके समेत आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आदि विपक्ष के दिग्गजों ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव में इसका खासा असर दिखना तय है। अब यह देखना रोचक रहेगा कि यह स्थिति आगे क्या मोड़ लाती है।
कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।